फ्रॉम श्री कृष्णराज महाराज विद्यालय गौर लर्निंग इन नाइन्थ क्लास माय टॉपिक इज अ रेस्पिरेटिव सिस्टम. रेस्पिरेटिव सिस्टम इज श्वसन तंत्र. सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है. उसमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा बनी रहती है और ऊष्मा भी बनी रहती है. ऊष्मा बने रहने के दो कारण है, श्वसन और रक्त परिचालन. उसके बाद है अपचय. यह एक औपचारिक क्रिया है, उसे कैटाबॉलिक कहते हैं. किसी चीज को तोड़ देना उसे कैटाबॉलिक कहलाते हैं, किसी चीज को तोड़ देना उसे एनाबॉलिक कहते हैं. उसके बाद है अब श्वसन, मतलब स्तनधारी. हम स्तनधारी में रहते हैं, हमें लगता है कि हम नाक या मुंह से श्वास लेते हैं. ये दोनों श्वास नहीं लेते, ये सिर्फ श्वसन जाने के मार्ग है. हम दम से श्वास लेते, मतलब फेफड़ा से श्वास लेते. कीटकनाशक एक ट्रैकिया से श्वास लेते, ट्रैकिया मतलब श्वास नली से श्वास लेते. जलीय जीव गिल्स या गिल्स मतलब खवले से श्वास लेते हैं. और मेढक दो प्रकार की श्वास लेता है, भूमिगत हो तो फेफड़ा से लेता है, भूमिगत होता है तो पत्थर से लेता है. और ट्रेटवर्ल मतलब छोटा मेढक गिल से लेता है. उसके बाद है ब्रीदिंग मतलब श्वास अंदर लेना और बाहर छोड़ना. इन क्रिया को जोड़ दिया तो ब्रीदिंग कहते हैं. अंदर लेना मतलब इंस्पायरेशन और बाहर छोड़ना मतलब एक्सपायरेशन. हवा में जो गैस लेते हैं हम वही गैस लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं. जैसे हम नाइट्रोजन 78% लेते हैं और 78% छोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं तो 70% छोड़ देते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड हम 0.03% लेते हैं और 4% छोड़ देते हैं. उसके बाद है श्वसन मार्ग वायु जिस मार्ग से अनुसरण करता है इसे श्वसन मार्ग कहते हैं. श्वसन मार्ग के 10 स्टेप है. पहला है नसा छिद्र में छोटे छोटे बाल होते हैं और धूल को रोक के रखते हैं. उसके बाद है नसा कपाट में चिपचिपा पदार्थ होता है उसे म्यूकस कहते हैं. म्यूकस के बाद है ग्रसनी मतलब फ्रैरिंग्स. के बाद स्वर तंत्र में लैरिंग्स, ये गले में होता है उसे वॉइस बॉक्स कहते हैं. ये दबाने से हमारी आवाज नहीं निकलती. उसके बाद है श्वास नली मतलब ट्रैकिया, ये गले में होते उसमें जो, क्योंकि अगर उसमें जो हवा नहीं गई तो ये पाइप चिपक ना जाए इसलिए होती है. ब्रोंकियोस के बाद ब्रोंकाइट्स होते हैं, उससे ब्रोंकियोस कई भागों में बढ़ जाते हैं उसे ब्रोंकाइट्स कहते हैं. वायु पोषक एल्विली के बाद ब्लड में जाता है. ब्लड ऑक्सीजन को देता है, ऑक्सीजन कोशिका मतलब सेल को देता है और सेल माइटोकांड्रिया को देता है. जैसे कि हम डायग्राम समझते हैं, डायग्राम ये ट्रैकिया के दो भाग पड़े थे उसे ब्रोंकाइन कहते हैं और उसमें कई भाग पड़े थे तो ब्रोंक्यूलस कहते हैं. और ये छोटे छोटे को एल्विली कहते हैं. और ये रिब्स दिख रहे हैं उसे फ्यूरामेंटल कहते हैं. और उसके बाद है डायफ्राम. जब हम सांस लेते हैं तब डायफ्राम हमें 70% मदद करता है. जब हम सांस लेते हैं वो सीधा हो जाता है और हम जब सांस छोड़ते हैं तब ऊपर आ जाता है, क्योंकि फेफड़ा में अभी इतनी ताकत नहीं होती कि वो श्वास छोड़ सके, इसलिए डायफ्राम उसे मदद करता है.